भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी पश्चिम बंगाल में आने देंगी। ममता जी, आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या ईसाई शरणार्थी को बंगाल में प्रवेश नहीं करने देंगे। ममता जी ने हमेशा सीएए का विरोध किया है, जबकि सीएए का भारत के नागरिकों से कोई संबंध नहीं था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। को व्यक्त करने के लिए यह टिप्पणी की जा रही है। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल सेज विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, चाहे हिंदू क्या मुस्लिम। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे, इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी, ये संविधान संविधान की बात करते हैं। संविधान में कोई अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्र मंत्री रही हैं। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल।